हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिवनिटी टैरोस एक्सपर्ट ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजस डार्कनेस। तो कैसे है सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज हेल्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा खास है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं आफ्टर 8th अप्रैल 2024 एंड द सोलर इक्लिप्स, जो सूर्य ग्रहण होने वाला है, एंड द सुपर न्यू मून ऑन 8th अप्रैल 2024 इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड डेफिनेटली इन द ज़ोडियक साइन ऑफ एरीज। क्या ऑब्वियसली हो सकता है? सो यहाँ पे क्या है ना, एरीज का जो साइन है ऑब्वियसली ये क्या है, इट इज़ अ साइन ऑफ ब्रेवरी, कॉन्फिडेंस, ठीक है, करेज, जो ऑल जो ज़ोडियक साइंस है इसके ऊपर भारी असर पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही सूर्य ग्रहण है ऊपर से बहुत ज़्यादा ही, ठीक है। आप अमावस्या तो है ही, उसके साथ साथ और ज़ोडियक साइन एरीज भी है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो हमें यही सिखाते हैं कि किस तरह से हम अपने आप को रीडिस्कवर करें। सो लेट सी व्हाट इज गोइंग टू कम आफ्टर दिस न्यू मून एंड सोलर इक्लिप्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड आफ्टर 8th अप्रैल व्हाट इज गोइंग टू हैपन। पहली बात तो है, मुझे यहाँ पे शुरू से ही बहुत सारे, जैसे डमरू होता है ना, वो मुझे यहाँ पे एक दिखा। दूसरा चीज़ है, मुझे यहाँ पे ताला जो है उसका जो मतलब जो होता है वो वाला लॉक नहीं, जो इंटरलॉक होते हैं वो नहीं है, वो जो गोल होता है लॉक उसके ऊपर जो चीज़ें रहते हैं, राइट, जो हैंडल वाला वो पोर्शन ओपन दिखाई दे रहा है। सो बहुत सारे सीक्रेट्स, बहुत सारे मज़ेदार चीज़ें, ठीक है, होंगे जो आपके होश तो बिल्कुल उड़ जाएंगे। कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा सत्य के साथ जब आप रूबरू होंगे आपको पता चलेगा कि अच्छा, ये सारे चीज़ें हमसे छुपा हुआ था, अच्छा हुआ हमें पता चल गया, अदरवाइज आई वुड हैव बीन इन प्रॉब्लम, आपको लगेगा ही। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके मॉम या मॉम संबंधित कोई हो सकता है, कि चाची या बड़ी चाची हो, दादी हो, नानी हो, मतलब फेमिनिन फिगर हो सकता है कि वो आपको कुछ एडवाइसेस भी दें जो आपको अच्छा ना लगे। तो हो सकता है कुछ आप दोनों के अंदर कुछ मनमुटाव हो जाए, हो सकता है कि आपकी वाइफ भी हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, बाद में आपको पता चलेगा कि अच्छा होता तो आप सुन लेते वो सारे एडवाइसेस, अदरवाइज आपको उतना प्रॉब्लम से गुजरना नहीं पड़ता। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, लाइक यू नो, लाइक यू विल फील लाइक यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मतलब आपको एक कम्प्लीटली रिफ्रेशमेंट, चाहे आप कोई भी ज़ोडियक साइन के हो, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि आई एम फीलिंग सो रिफ्रेश्ड। आपको बहुत ज़्यादा कूल एटीट्यूड आप शो करना शुरू कर देंगे। कुछ समय के बाद आपको ऐसा भी लगेगा कि ठीक है, मेरे जीवन में जो भी हुआ था इट वॉज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ और वो तो होना ही था, अभी उस बात को लेकर और क्या करेंगे हम, उस बात को लेकर और नहीं चल सकते। आपको ऐसा ही लगेगा, यू विल लीव बिहाइंड द पास्ट एंड यू विल मूव फॉरवर्ड। कुछ लोग इतना ज़्यादा जिम्मेदारी आप निभाएंगे अपने ऑफिस का, ठीक है, या काम की जगह का, हो सकता है कि आपका पर्सनल कमिटमेंट्स जो था वो उसमें आप फेलियर हो जाए, मतलब इतना ज़्यादा काम करेंगे आप समय ही कम दे पाएंगे। नाउ इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, ये तो सबके साथ नहीं होगा, बट कुछ लोग तो साथ ज़रूर होगा। क्या होता है ना, कभी कभी हम भी बेईमान हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमने किसी को प्रॉमिस दिया होता है और हम उसको फुलफिल नहीं कर पाते, और वो जानबूझकर हम नहीं करते हैं, वो हो जाता है। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से भी दिख रहा है, लाइक यू नो, यू मे माइट हैव प्रॉमिस्ड समथिंग टू समवन, बट आप शायद नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप उतना ज़्यादा बिजी होंगे अपने टास्क पे, चाहे आप स्टडीज़ के ड्यू बिजी हो रहे हो, या जॉब के प्रोसेस में, या आपको एक मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रहा है जिसमें आप अपना ही फ़ायदा देखोगे, कंपनी का इंटरेस्ट देखोगे, बाकी का तो आप नहीं देख पाएंगे। तो हो सकता है वो लोग आपको इल्ज़ाम दे कि आप जब से कोई नई जिम्मेदारी आया है तब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझ रहे हैं। इस तरह के सिचुएशंस हो सकते हैं, बट एटलीस्ट देयर विल बी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स। मुझे ये भी दिख रहा है, किसी के साथ
जो है ना, दरार पड़ने का मतलब ये नहीं है कि परमानेंट कनेक्शन बंद हो रहा है, नो, मे बी फॉर द टेम्पररी हो सकता है कि पीरियड ऑफ टाइम यू डोंट टॉक टू दैट पर्सन, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट दैट देर इज़ अ ब्रेकअप परमानेंटली, वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरह से चेस गेम पर कुछ हॉर्सेस वहाँ पे दिखाई देते हैं, राइट, एंड उस तरह से मुझे दिख रहा है लाइक यू नो वर्ड कि फास्ट फॉरवर्ड कुछ चीज़ें ज़रूर होंगे आपके साथ, एंड कोई भी षड्यंत्र रचा सकता है, बट आप उस जो है ना उस लेवल पर होंगे कि वो आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। कभी कभी षड्यंत्र रचते हैं लोग, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होते ही है, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू आर गोइंग टू लाइक फॉल इन दैट ट्रैप। ज़माना ख़राब हो सकता है, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसके वजह से आप बहुत ज़्यादा ढेर सारा, ठीक है, चीज़ें गवा दो, नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। यहाँ पे बहुत इनिशियल्स मुझे दिख रहा है, जैसे सी, जैसे आई, जैसे यू, जैसे एच, द रिस्ट वॉच आई कैन सी, सो टाइम इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। सी फॉर कैन बी सिजारियन सेक्शन, हो सकता है कि कुछ लोग गुड न्यूज़ रिसीव करें, ठीक है, एंड रिगार्डिंग बेबी उस तरह से भी हो सकता है। यहाँ पे द नंबर लाइक 15, 9, यहाँ पे देखो 6, 13, आज ढेर सारा नंबर्स यहाँ पे मौजूद है। ओके, जैसे दिख रहा है ना, जैसे कोई ट्रम्पेट बजा रहा है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, मतलब कोई तो यहाँ पे खुशी का माहौल ज़रूर होने वाला है, जहाँ पे सेलिब्रेशन विल बी कैरिड ऑन, राइट। ऐसा होता है ना कि चेन ऑफ इवेंट्स होने वाला है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस शायद मंजूर नहीं होंगे, लेकिन मैं नहीं बोल रही हूँ कि दिस विल बी लाइक योर कंट्रीज रूल्स एंड रेगुलेशन, नो, हो सकता है कि आप उसको बदलने की कोशिश करें। मे बी यू विल ट्राई टू एडिट और यू विल ट्राई टू स्पीक टू द मैनेजमेंट रिगार्डिंग दैट, उस तरह से। या आप अगर कोई कंपिटेटिव एग्जाम्स दे रहे हैं तो वहाँ पे शायद कुछ रूल्स रेगुलेशंस जो है वो बदल जाएगा। लास्ट ईयर जो था इस साल नहीं हो पाएगा, जिस साल में भी आप देख रहे होंगे, हो सकता है उस साल अलग होगा, पिछला साल कुछ अलग ही था। सो इस बात से भले ही आप डिनाई कर दो, लेकिन ये जो रूल्स रेगुलेशन चेंजेस होने वाले हैं ना, वो आपके बेटरमेंट के लिए ही होंगे। यहाँ पे देखो मुझे कुछ बुल दिखाई दे रहा है, सो द बुल मार्केट, ऑल द बुल ऑलवेज स्पीक्स अबाउट द स्टॉक मार्केट, द शेयर मार्केट बेसिकली। सो यहाँ पे एक स्टेडी ग्रोथ पॉसिबल है, यहाँ पे फास्ट फास्ट डेवलपमेंट पॉसिबल है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेते हैं, अगर आपको नॉलेज है, जानकारी है, तो बहुत अच्छा होगा। कुछ लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए बहुत अच्छा रिटर्न देंगे वहाँ पे, लेकिन कोई भी ऐसा स्कीम आप ना ले, ठीक है, जो आप मतलब बिना सोचे बिना जानकारी के ही आप उसमें अगर इन्वेस्ट कर देते हो बिना प्लानिंग के ही, सो वहाँ पे फेलियर हो सकता है। सो बिफोर यू इन्वेस्ट इन एनी टाइप ऑफ, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म प्रोसेस, मेक श्योर दैट यू शुड टेक द प्रायर नॉलेज, ठीक है, उस तरह से मैं देख पा रही हूँ। अभी हम क्या काम करते हैं आफ्टर दिस सोलर इक्लिप्स एंड द न्यू मून, इसके बाद क्या होने वाला है वो हम कार्ड से देखते हैं। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि आफ्टर दिस सोलर इक्लिप्स, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ सटीक फैसला, पहले ही मैं बता देती हूँ, कुछ फैसला आपके बिहाफ में आएगा, आपके फेवर में आएगा, कुछ जजमेंट्स आपके फेवर में आएंगे, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो आपके लिए काफी सेटिस्फेक्शन आपको देगा। इसलिए सेटिस्फाइंग जो तृप्त होता है मन से वो मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, यूनिवर्स फॉर गाइड्स प्लीज गाइड करें। सो आफ्टर द न्यू मून एंड सोलर इक्लिप्स ऑन 8 अप्रैल 2024, उसके बाद क्या होने वाला है प्लीज गाइड करें।
we do have 10 of pentacles. The sun, solar eclipse, versus the sun. यहाँ पे है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे है टेन ऑफ कप्स. आई होप यू कैन चेक इट आउट लाइक दिस. द स्ट्रेंथ कार्ड बॉटम ऑफ द डेक सिक्स ऑफ हैंड्स. सो मैंने आपको कहा कि टेन टेन नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एट यहाँ पे आया है, सिक्स आया है, यहाँ पे 19 है, दैट इज 10 अगेन. बेसिकली 10 इज ऑल्सो द नंबर फॉर कंप्लीशन. सो यहाँ पे क्या है ना, पारिवारिक सुख जब शुरू होता है कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है कि दोनों को ही प्राप्त करना. बट मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके जो है बिजनेस में भी सक्सेस, ठीक है, एक चांस जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बहुत सारे मौके, सिर्फ आपको ही नहीं, आपके परिवार में जितने भी लोग हैं उनको कम्फर्टेबल लाइफ जीने का हक है और उनको मिलेगा ही. सिर्फ आप ही उनके लिए कम्फर्टेबल लाइफ नहीं दे रहे हो, बट वो खुद उस काबिलियत, ठीक है, मैं हैं या होंगे कि वो खुद अपने आप को उस लेवल पर लेके जाएंगे. मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, अगर आपके बच्चे भी हैं, वो खुद अपने जिम्मेदारी को समझेंगे और इसको सोचने, इसको मतलब जैसे बोला जाता है ना कि आप खुद को एक लिमिट में रख के, ठीक है, वो खुद उस चीज़ को करने की कोशिश भी करेंगे, आपकी सहायता के बिना ही वो ट्राई करेंगे. बिकॉज दे वॉन्ट टू शो यू दैट दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके बुजुर्ग, जो भी आपके घर में बुजुर्ग है, उनके पैसे से बहुत कुछ हुआ था घर में, रेनोवेशन हो, रेक्टिफिकेशन हो, जो भी है, घर में बहुत सारे जो चीज़ें आए होंगे. अभी क्या है ना, आफ्टर दिस सोलर इक्लिप्स एंड न्यू मून यू विल ऑल्सो फील दैट लेट मी डू इट, मैं भी कुछ कर दिखाती हूँ. हम भी दिखाते हैं, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे रोजगार से भी बहुत सारे लोगों का फायदा अगर होता है तो होने दो, उस तरह से दिख रहा है. कुछ लोगों के लिए बिजनेस सेटअप के वजह से आप ही सिर्फ बेनिफिटेड नहीं होंगे, वहाँ पे जो कर्मचारी होंगे उनके परिवार भी बेनिफिटेड होंगे. एंड आई ऑल्सो डू बिलीव लाइक दैट यू नो वन, कुछ लोग अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए, एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप पीछे नहीं रहेंगे, एटलीस्ट विल बी लीडिंग. बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना और कोई गाइड से मिलना, कोई काउंसलर से मिलना, कोई मेंटोर से मिलना, कोई कोच से मिलना, जो आपको बताएंगे कि पंक्चुअलिटी क्या होता है, ठीक है, रिवीजन किस तरह से करते हैं, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चंस जो है, मैंने आपको ये भी बताया था कि रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंजेस आएंगे और आएंगे तो ज़रूर. यहाँ पे वो भी इंफॉर्मेशन आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज यू विल लैंड इन प्रॉब्लम. मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कमिटमेंट किसी के तरफ से आ सकता है, प्रपोजल, अ लवली हेल्दी रिलेशनशिप. इट्स दैट्स व्हाई आई सेड द सेटिस्फेक्शन फैक्टर. यहाँ पे आप लोग ना सेटिस्फाइड होंगे, चाहे वो एक माइनर लेवल पर हो या मेजर लेवल पर हो. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज. आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and...